गुवाहाटी के लिए बंगलोर से एक नई ट्रेन का संचालन रेलवे ने किया चालू और इस वीडियो अपडेट के माध्यम से इस ट्रेन की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। भारतीय रेलवे की तरफ से कल से एक नई ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इस नई ट्रेन का संचालन ट्रेन नंबर 06569 के साथ SMB बेंगलुरु से गुवाहाटी के लिए शुरू किया गया है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन रविवार को मध्यरात्रि 12:30 पर चलाई गई और 28 अप्रैल से इस ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है, जहां पर कि यह ट्रेन 19 मई तक चलाई जाएगी। इसी प्रकार यह ट्रेन चौथे दिन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 5:30 पर सुबह में मंगलवार को अपना गंतव्य पहुंच जाएगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 06570 के साथ गुवाहाटी से बेंगलुरु के लिए यह स्पेशल ट्रेन दूसरे दिशा में भी चलेगी, जहां पर कि गुवाहाटी से प्रत्येक बुधवार को यह ट्रेन सुबह 6 प्रस्थान करेगी और यह ट्रेन 1 मई से लेकर 22 मई तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन 10 सुबह में शुक्रवार को पहुंच जाएगी। ऐसे में दोनों ही दिशाओं में चलने वाली इस ट्रेन के सुविधा के बारे में बात करें तो पैसेंजरों को यात्रा के दौरान इस ट्रेन में 14 कोच का सुविधा मिलेगा, जिसमें कि थर्ड टायर के AC इकोनॉमी कोच लगे रहेंगे। इसके अलावा 4 कोच सेकेंड टायर AC के लगे रहेंगे। पूरी तरह से AC रिजर्वेशन कैटेगरी की यह एक स्पेशल ट्रेन होगी, जिसका संचालन इस रूट पर रेलवे शुरू करने जा रही है। ऐसे में ट्रेन के रूट और स्टॉपेज के डिटेल्स की बात करें तो यह ट्रेन गुवाहाटी से खुलने के बाद कामाख्या जंक्शन, रंगिया, अलीपुर द्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, किशनगंज, मालदा टाउन, रामपुर हाट, बोलपुर, खड़गपुर, दानकुनी, बालेसर, भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, ब्रह्मपुर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम के रास्ते चलेगी, जहां पर कि विजयवाड़ा और राजा मुंडरी में भी इस ट्रेन का रहेगा स्टॉपेज। इस रास्ते से यह ट्रेन जोलारपट्टी होते हुए बेंगलुरु पहुंचेगी। करीब 2900 किलोमीटर का सफर तय करके यह ट्रेन चलेगी, जो कि एक पूरी तरह से सुपरफास्ट AC स्पेशल ट्रेन होगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाले नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।